एल्प्स सेंट्रल यूरोप के सबसे बड़े अनछुए वाइल्ड एरियाज में से एक है। ये ऐसी जगह है जहां वाइल्ड लाइफ बहुत मुश्किल है। बदलते सीजन्स और एल्टीट्यूड्स तय करते हैं कि यहां कौन सी जिंदगी कहां पनपेगी। पूरे एल्प्स में पाए जाने वाले एल्पाइन मामट विंटर के 6 से ज्यादा महीने अंडरग्राउंड बरोज में हाइबरनेट करते हुए गुजार देते हैं। पर अप्रैल में जब बर्फ पूरी तरह से हट भी नहीं पाती, ब्रेन एक्टिविटी में और हार्मोन प्रोडक्शन में आए चेंजेस इन्हें उठने का इशारा कर देते हैं। ऊपर अपनी फैमिली का इंतजार कर रहे इस मामट पर खतरा मंडरा रहा है। इन प्रेडेटर्स ने भी कई दिन से खाना नहीं खाया। आने वाले महीनों में सरवाइव करने के लिए मामट्स को बहुत अलर्ट रहना होगा। हर शैतान बच्चे की तरह मामट के बच्चे भी मस्ती करने और उछल कूद मचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बच्चे अपनी मस्ती में इतने खो गए हैं कि इन्हें आसपास की कोई खबर नहीं। ये लगातार निशाने पर है। यहां के आसमान पर गोल्डन ईगल का राज है। इसकी आईसाइट इंसानों से 8 गुना ज्यादा बेहतर होती है और फील्ड ऑफ विजन 300 डिग्रीज। इसकी नजर से कुछ नहीं बचता। पर बच्चे बहुत दूर निकल गए हैं और अपने बरोस तक पहुंचने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। करीब पहुंचते वक्त इस एरियल प्रेडेटर की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से भी तेज हो सकती है। इस छोटे मामट के बचने का कोई चांस नहीं। स्प्रिंग के आने से यहां का एनवायरनमेंट खूबसूरत हो गया है। माउंटेन्स के इन्हीं ऊंचे इलाकों में एनिमल्स की बहुत सी स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें यूरोप की सबसे बड़ी कैट भी शामिल है। बेयर्स और वुल्व्स के बाद करीब 40 केजीज का यूरेशियन लिंक्स यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा प्रेडेटर है। इसकी आंखें खास तौर से तेज होती हैं और 75 मीटर दूर से छोटे जानवर को देख लेती हैं। बड़े शिकार छुपे नहीं रह पाते। बच्चे को अपनी मदर को फॉलो करना ही पड़ता है, जिससे एक खतरनाक छुपे हुए शिकारी को बेहतरीन मौका मिल गया। ये बच्चा बहुत ही आसानी से शिकार बन सकता है। लेकिन एक अलर्ट मदर ने खतरा भांप लिया। डेंजर महसूस करते ही मदर और बेबी उसकी पहुंच से दूर भाग जाते हैं। यूरेशियन लिंक्स को एल्प्स में अपना खाना हासिल करने में कभी कभी 3 दिन भी लग सकते हैं। भले ही एनिमल्स ने इन सुनसान और खूबसूरत लैंडस्केप्स में अपना घर बना लिया हो, पर यहां का खतरनाक इलाका और तेजी से बदलते मौसम एल्पाइन वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है।